लगभग 14.5 महीने के अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के नतीजे में महबूबा मुफ्ती साहिबा को कल रात पीएसए डिटेंशन से रिहा किया गया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं, अच्छे सेहत में हैं। मैं आज एक साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मौविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए।